हाय गाइस, अमरजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज क्वेश्चन करेंगे बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन और एक नए एनर्जी के साथ। परसेंटेज का ही क्वेश्चन है जो क्लास 5 के अंतर्गत आएगा। और आज मैं बहुत टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, एक साथ लगभग 3 टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और एक नए अंदाज में, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, है ना। ये मत सोचिए कि नया है तो क्या होगा, नया ही कुछ अच्छा करता है ना। चलिए, तो आज ज़्यादा बिना समय गवाए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े और मैं क्लास लेके आऊँ पर डे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएँ एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहले का प्रतिशत क्या है, ये क्वेश्चन है। देखिए, इसमें एक लॉजिक काम करेगा पूरे क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो, सब के सब बन जाएगा एक नंबर में, है ना। और क्वेश्चन के कम से कम हम लोग बनाएंगे 20 से 30 सेकंड के अंदर। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अधिक हो तो दूसरी से पहली का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, जिसमें का लगल रहेगा उसको रखेंगे ऊपर, जिसमें का रहेगा उसको ऊपर। देखिए, जिसमें का है ना, सबसे पहले हम मानते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30 तथा 40% तीसरी संख्या को मैं मानूंगा आधार 100, मान लिया 100, है ना। और पहली संख्या 30% ज्यादा है, मतलब 130 है और ये 140 है, सम में परसेंट समझ में आ गया बात। चलिए, जिसमें का लगा लगा, मैंने बताया जिसमें पहली का दूसरी से पहली का, मतलब जिसमें का लगा हुआ है, पहली में का लगा हुआ है तो पहली को रखेंगे ऊपर, दूसरी को रखेंगे नीचे। आ भैया जी, परसेंट निकालना है, परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सौ से गुना कर देते हैं। चलिए, सौ से गुना किया मैंने, ये जीरो से ये जीरो गया, चलिए ये 7 गया और ये 5 गया, 13×5=65, तो ये हो रहा है 65, 13×5=65, 650/7। चलिए अब काटते हैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो 7×63, 63 कितना बचा, 2, तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7×2=14, 14 और 6×20 तो 6/7%, ये हो गया हमारा आंसर, ये 92.6/7, समझ में आया बात। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से है, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% एवं 20% ज्यादा हो तो पहली से दूसरी का प्रतिशत क्या होगा। यही सेम काम करेंगे, यहाँ भी मान लेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मान लिया थर्ड होगा 100, कितना ज्यादा है 10% एवं 20%, तो ये हो जाएगा 110%, ये हो जाएगा 120%। यहाँ भी सेम था, किसमें का लगा हुआ है, दूसरी 120 को ऊपर और 110 को नीचे और गुने 100, काट देंगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200/11, ठीक है। 11 इसको काट देंगे और इसको फ्रैक्शन में ला के लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए 11 दाहिने 110, 10 बच गया, फिर 111/99, 1/11% हो गया। इसको भी करेंगे सेम, मान लेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड को मान लेंगे 100 और 50% ज़्यादा है तो 150 और 160, किसमें का लगा हुआ है, पहले का, तो पहले का 150/160×100, ये हो जाएगा, काट लेंगे 5×8=75, 4 हो जाएगा 75×5, 75×5 कितना होता है
गुना कर लेंगे। तीन सौ पचहत्तर बच्चे चार पास करो तो रोक अटक सिर्फ रुको।